हेलो। अरे यार आप लोग भी जो है क्या नाम है आपका? सुशील तिवारी। भैया कहाँ पे हैं आप और किसको लेके आए? ये अपन महोबा में सरकारी हॉस्पिटल में है, जिला हॉस्पिटल में। तो अपन अपनी सिस्टर को दिखवाने आए, यहाँ से 3 दिन से हो गए अपन बाकी है। भैया रात में कोई घटना हुई है क्या? जी कल दो बंदे आए थे रात में, वही 10 बजे के करीब आए थे दो बंदे। तो उसमें क्या हुआ है कि दारू तो अच्छी तो बहुत दारू पिए थे भयंकर, और इसी में आके अपने रूम में जहाँ पे सिस्टर भर्ती है अपनी, इसी रूम में आके बढ़िया आए हम, मस्त जो है आके लेट गए, गाली गलौज करते रहे, बहुत बुरी बुरी गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे। हम चले गए थे थोड़ी घर ही पे चले गए थे खाना ना लेने, बे डर गए भयंकर। दो ही लोग बचे थे बाढ़ में, नया कोई गार्ड ना कोई दिखा ही नहीं रहा था यहाँ पे। तो फिर उनने हमें फ़ोन लगाया, जब आए हम तो भयंकर तो वो लोग दारू पिए थे। यहाँ के लोगों से पूछा गया तो बोल रहे थे कि ये स्टाफ के लोग हैं, यहाँ के लोगों से जब पूछा गया तो कह रहे हैं स्टाफ के लोग हैं। फिर वहाँ पे क्या बताया जा रहा था, कौन सा स्टाफ था ये पता नहीं, कह रहे थे गार्ड आर्ड है, कोई स्टाफ के लोग है, भयंकर वो दारू पिए थे, अच्छी लगाए थे वो। तो किस तरीके का उपद्रव कर रहे थे? बहुत मतलब कैसे भी बहुत गंदा गंदा फील कर रहे, बहुत गंदा फील हो रहा था उसमें, मतलब नंगे वंगे पड़े रहे, बाथरूम करते रहे, बेड में नीचे पड़े रहे पूरा, ऐसे ही। क्या लगता है आपको जिला अस्पताल की व्यवस्थाएं, कोई व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्थाएं कैसी? कोई सुरक्षा नहीं, कोई व्यवस्था नहीं है। अगर यहाँ पे कोई अपना मतलब घर वालों को छोड़ दे कि मतलब कहीं बाहर निकल के चले जाओ टहल लो घूम लो तो बेकार है, कोई सुविधा नहीं, कोई व्यवस्था ऐसी नहीं है। क्या आला अधिकारी से शिकायत की है आपने? शिकायत की है आज जाके सर को, शिकायत किया है, कंप्लेन की, आप देखो आपसे क्या होता है क्या नहीं होता है। ये क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हो? कौन? अपन बमौरी के रहने वाले, सुशील तिवारी नाम है मेरा, बमौरी के रहने वाले। रुको, सुबह हम जब यहाँ राउंड कर रहे थे उस समय कुछ मरीज के अटेंडेंट्स ने बताया कि 10:30 बजे शायद यही टाइम रहा था, और बाद में कुछ लोग, दो लोग आए थे जो बता रहे थे अटेंडेंट्स की वो दारू पिए हुए थे, नशे में थे और कुछ उपद्रव कर रहे थे, जिस संबंध में मैंने जानकारी लिया जो वहाँ ड्यूटी में थे फार्मासिस्ट, उन्होंने बताया कि हाँ होमगार्ड आए थे और उनको जो है एक दो बार बाहर छोड़ा, फिर बार बार वो लोग आ जाते थे। इस विषय में कोतवाली इंस्पेक्टर साहब को और RI इंस्पेक्टर साहब को सूचना दी गई है, और ये पता चला है कि ये लोग अक्सर आते हैं, तो उनसे कहा गया है कि ये नियमित हफ्ते 10 दिन आ करके रात्रि में यदि ये मिलते हैं तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए जो है, क्योंकि ये चिंताजनक है कि हाँ इस तरह से रात में आते हैं अक्सर।
है।